क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, हाई भूमि का एक बिंदु हो गया, हाई मीनार हो गया, ठीक है, पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी, यानी कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है आपका कितना है 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी कि ये शिखर हो गया, ठीक है, और इसका जो कितना पर झुका है 30 डिग्री पर। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर हो गया, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार के ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आपका बी दे दिया है, पी निकालना है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा का लगाएंगे कि टेन थीटा का, टेन थीटा, क्यों, क्योंकि हम लोग का पी निकालना है, बी दे ही दिया है, तो टेन 30 डिग्री बराबर पी क्यू बटा क्यू आर, टेन 30 का मान 1/√3 होता है, पी क्यू का मान निकालना है, क्यू आर का वैल्यू कितना दिया है 30, ध्यान से देखिएगा, 1/√3 का 1/√3, पी क्यू के पी क्यू, 30 को हम लोग 10√3√3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 और √3 फिर गुणा होकर 3 हो जाएगा, आ 3 जब हो जाएगा तो 10 3 30 फिर आपका 30 हो जाएगा, आ जब बीच में बराबर रहता है तो सामने सामने वाला कट सकता है, तो √3 से √3 एगो कट गया, आई 10√3 हो जाएगा, तो पी क्यू बराबर आपका क्या हो गया 10√3 मीटर एंसर, ठीक है, आई 10√3 गुणा हो जाएगा, आ इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में, तो एक से गुणा होगा तो 10√3, तो पी क्यू बराबर आपका हो गया 10√3 मीटर, ठीक है। फिर से देखिए, भूमि के एक बिंदु से, आई भूमि हो गया, इसके एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर के दूर है, आई मीनार हो गया, इसके बीच का डिस्टेंस 30 मीटर है, मीनार के शिखर, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि आधार दे दिया है, लंब निकालना है, तो इसमें हम लोग कौन फार्मूला लगाएंगे टेन थीटा, और टेन तीस का मान कितना होता है 1/√3, यानी कि पी क्यू बटा क्यू आर, तो 1/√3 पी क्यू बटा क्यू आर का वैल्यू 30, आई 30 को हम लोग 10√3√3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 और √3 फिर गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, और जब 3 हो जाएगा तो 10 3 30 फिर हो जाएगा, ठीक है, और जब बीच में बराबर रहता है तो सामने सामने वाला कट जाता है, तो एगो √3 से एगो √3 कट गया, आई गुणा होगा तो बचेगा 10√3, आ इधर भाग में है, एक से गुणा हो जाएगा तो इधर आएगा तो 10√3, यानी कि पी क्यू बराबर 10√3, यानी कि जो मीनार का ऊंचाई है आपका कितना है 10√3 मीटर एंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए।